सागर के भाग्योदय तीर्थ पर 25 सितंबर से 29वां राष्ट्रीय महिला अधिवेशन का भाग्योदय तीर्थ पर शुभारंभ हुआ। निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ससंघ के मंगल सानिध्य में श्राविका श्रेष्ठी श्रीमती सुशीला पाटनी और महिला महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती शीला डोडिया सहित समाज की हजारों प्रबुद्ध महिलाएं इस अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए भाग्योदय तीर्थ पर उपस्थित रहीं और अधिवेशन का भव्य आगाज किया। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद और निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ससंघ के मंगल सानिध्य में 25 सितंबर को सागर स्थित भाग्योदय तीर्थ में 29वें राष्ट्रीय महिला अधिवेशन की शुरुआत हुई। अखिल भारतीय श्रमण संस्कृति महिला महासमिति एवं श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति के तत्वावधान में आयोजित इस अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए देश भर के जैन समाज की जैन महिलाएं तीर्थ स्थल पर पहुंची। अधिवेशन का शुभारंभ श्राविका शिरोमणि श्रीमती सुशीला पाटनी और महिला महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती शीला डोडिया सहित समाज की प्रबुद्ध महिलाओं द्वारा ध्वजारोहण करते हुए किया गया। ध्वजारोहण के बाद श्राविका शिरोमणि श्रीमती सुशीला पाटनी, उनकी सुपुत्री श्रीमती अमिता कटारिया और श्रीमती शीला डोडिया सहित अन्य श्राविकाओं को गुरुवर का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य मिला। श्राविकाओं ने गुरु का पाद प्रक्षालन कर गुरु का मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरुवर ने अपने हाथों से श्राविकाओं को गंदोदक दिया। आयोजन के अग्रिम क्रम में श्राविका श्रेष्ठी श्रीमती सुशीला पाटनी और महिला महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती शीला डोडिया द्वारा धर्म और समाज सेवा के कार्यों में अग्रिम भूमिका निभाने वाली श्रीमती आशा रानी पांड्या और श्रीमती अमिता कटारिया जी का सम्मान किया गया। सम्मान की ही श्रृंखला में गुवाहाटी से आई श्रीमती मंजू जी गोधा का नारी गौरव सम्मान भी महासमिति के द्वारा किया गया। श्रीमती शीला डोडिया जी ने मंजू जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में सभी को बताया। धार से पधारे श्रीमती मंजू जी गोधा, एक सीधे सरल सह स्वभाव की एक ऐसी महिला जो माता पिता के संस्कारों से अनुप्राणित हो श्राविका धर्म का पालन कर वेद शास्त्र गुरु के प्रति पूर्णतः समर्पित है। आप लोग तालियां बजाते रहिए। गुवाहाटी से हमारे बीच पधारी है मंजू जी गोधा, जिनका हम नारी गौरव सम्मान से सम्मान कर रहे हैं। महिलाओं के विकास और उत्थान के लिए सक्रिय रहकर अनेकों कार्य आप करती रहती हैं। मंजू जी के लिए एक विशेष बात बोलना चाहूंगी कि पूरे गुवाहाटी में आप 12 वर्षीय कोर्स के लिए भरसक प्रयास करके हजारों बहनों को, हजारों परिवारों को धार्मिक शिक्षण, धार्मिक क्लासों से जोड़ रही है, 12 वर्षीय कोर्स से जोड़ रही है। तो ऐसी महिला के लिए जोरदार तालियां बजाते रहिए। मंजू जी गोधा गुवाहाटी, जिनका नारी गौरव से यहाँ सम्मान हो रहा है। महिला अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए नीति आयोग की सदस्य श्रीमती अर्चना जैन जी ने इस अधिवेशन के वातावरण के बारे में विस्तार से बात करते हुए कहा कि जिस घर में बेटियां आबाद होती हैं और बेटियों में संस्कारों का रोपण श्रमण संस्कृति संस्थान कर रही है। मेरी प्रिय बहनों, जैसे कि सुबह महाराज श्री के प्रवचन चल रहे थे और महाराज जी बोल रहे थे कि जिस घर में बेटियां होती हैं वो घर आबाद होता है और जिस घर में बेटियां नहीं होती हैं वो घर हमेशा के लिए आबाद नहीं हो पाता है, चलता है। लेकिन हमारी बेटियां जो दोनों कुलों की लाज रखती हैं और हम संस्कारित श्रवण संस्कृति संस्थान से, जहां से हमारी बेटियां इतनी संस्कारित हो रही हैं और हम संस्कार ही दे सकते हैं। आज कई ऐसे पॉइंट हैं जो मैं आप सबके सामने एक संक्षिप्त रूप से रखना चाहती हूँ। देखिए, आज आप देख रहे हैं कि जब हम ये देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं तो हमारे रोम रोम में कष्ट हो जाता है कि लव जिहाद जैसी चीज़ें जो हैं
हमारे बेटियां हैं, हम संस्कार दे रहे हैं, तो हमसे त्रुटि कहां हो रही है। श्रीमती शीला डोडिया जी ने इस महासमिति के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए श्राविका शिरोमणि श्रीमती सुशीला पाटनी जी और श्रीमती आशा रानी पांड्या की भूमिका को भी व्याख्यायित किया। हमारे साथ में जुड़ने के लिए कई आज भी बहुत गांवों की बहनें आई कि हमको आपके साथ जुड़ना है। हमारा एक उद्देश्य है, कोई महासमिति नहीं, कोई श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति नहीं, कोई श्रमण संस्कृति महिला महासमिति नहीं। हमारा उद्देश्य ये बैनर है, चाहे श्रमण संस्कृति महिला महासमिति से हम काम कर रहे हैं, चाहे श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति से काम कर रहे हैं, ये सब परिणाम है। ये बैठे हैं ना हमारे गुरुवर, केवल इनके आशीर्वाद का प्रताप है। अन्यथा हम में ऐसी कौन सी शक्ति है कि हम पूरे देश की महिलाओं को जोड़ सकें। सबसे बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे परिवार की महिला, जिस परिवार के लिए लोग तरसते हैं बात करने के लिए, आदरणीय भामाशाह अशोक जी भाई साहब, उनकी धर्मपत्नी श्राविका शिरोमणि सुशीला जी पाटनी, जिन्होंने पंचम 5 प्रतिमाएं धारण की है, उनका आशीर्वाद हमको हमेशा मिलता है। और एक ऐसी हस्ती जो हमारे बीच बैठी है, जिनको चामुंडा राय की तरह उन महाराज जी ने कोई एक बहुत बड़ी उपाधि दी थी, आशा रानी जी पांड्या, कोई भी कार्य उनको बता दें, कभी वो कार्य अधूरा नहीं रह सकता। ना उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं, समान संस्कृति संस्थान को देख के तो उनके रोम रोम में ऐसी पुलकित होती है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। उन्होंने वहाँ के लिए हमेशा सहयोग प्रदान किया है और आजीवन करती रहेगी। मैं बहुत बहुत उनका साधुवाद देती हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप अपनी अंतिम क्षणों तक इसी तरीके से देश शास्त्र गुरु प्रति समर्पित रहे और अपना तन मन धन इसी तरीके से नौचावर करती रहे। जैन धर्म और संस्कृति को आगे बढ़ावा देने वाली इन महिलाओं ने इस प्रकार के विभिन्न आयोजनों में सम्मिलित होकर समाज में फैली कुरीतियों और द्वेषपूर्ण मानसिकता को दूर कर हर महिला को सशक्त होने की प्रेरणा दी। अधिवेशन के पहले दिन महिलाओं ने नाटक और नृत्य की विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ भव्यता भी प्रदान की। जैन फोकस के लिए सागर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।